बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर ने रविवार को सिनेमा हॉल में धूम मचा कर रख दी। बीते रविवार को वॉर के दमदार प्रदर्शन ने साल की बड़ी फिल्मों को बखूबी पछाड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस एक वेबसाइट के मुताबिक ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर ने बीते 6 अक्टूबर को 36 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस लिहाज से फिल्म ने 5 दिनों में ही 158 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। पहले वीकेंड पर ही 158 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली वॉर ने भारत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, क्योंकि सलमान खान की फिल्म भारत ने 5 दिनों में केवल 140 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था। बॉक्स ऑफिस के बारे में एक वेबसाइट के अनुसार इस फिल्म को दशहरे पर एक एडवांटेज मिल सकता है, जिससे फिल्म अपना ये कलेक्शन और भी बढ़ा सकती है। गांधी जयंती के मौके पर रिलीज हुई वॉर ने पहले दिन 52 करोड़ रुपए की कमाई की, दूसरे दिन 23 करोड़ रुपए की कमाई की, तीसरे दिन 21 करोड़ और चौथे दिन 27 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म के इस रफ्तार को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। कमाई से इधर फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। खासकर सोशल मीडिया पर वॉर को लेकर काफी क्रेज देखने को मिला। बता दें कि फिल्म वॉर की कहानी कबीर, ऋतिक रोशन और खालिद टाइगर श्रॉफ की है। फिल्म में हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि गुरु और शिष्य एक दूसरे से टकराने को मजबूर हो जाते हैं। बेकाबू गुरु पर नकेल कसने के लिए शिष्य खालिद का इस्तेमाल किया जाता है और फिर शुरू होते हैं जबरदस्त एक्शन। बाइक, कार, हेलीकॉप्टर, बर्फ, पहाड़, हर जगह एक्शन देखने को मिलता है। कहानी में कई जबरदस्त ट्विस्ट भी डाले गए हैं और फिल्म की एंडिंग भी थोड़ी सरप्राइजिंग रखी गई है। इन सब से इधर दर्शकों को वॉर में भरपूर एक्शन और स्टंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसे दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। नेक्स्ट टू 9 लाइफस्टाइल डेस्क की रिपोर्ट।